जो मोबाइल का कैमरा आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले तो गेस करो किस फोन को। फाइनली 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 न्यू मोबाइल ले लिए, एंड्रॉयड लिए। तुम्हें पता है गुर्बत चल रही है, तो ओप्पो रेनो 6 ले लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है कि तुम सब ठीक ठाक है, खैरियत और मज़े में होगे। तो एंड्रॉयड लेने का रीज़न इतना था कि इसके कैमरा फीचर्स थोड़े ज़्यादा थे, जैसा कि तुम ये देख सकते हो ब्लर इफेक्ट वाला, ये दिल को लगा। तो पहला रीज़न तो इसका कैमरा है। दूसरा रीज़न ये कि मैंने बोला यार, अभी आईफोन से थोड़ा हट के एंड्रॉयड पे जाया जाए, क्यों ना एक बार देखा जाए, चेक किया जाए क्या है दोबारा से, क्योंकि पहले भी तो एंड्रॉयड चलाता था ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो कैमरा मुझे इसका बड़ा पसंद आया, खाली ख़ास तौर पे इस फीचर की वजह से मैंने मोबाइल परचेज किया। पूरी मार्केट में रोला हूँ, कल सदर वगैरह गए थे और इधर उधर ये वो सही पूरा रोल के आए, और मोबाइल अलहमदिल्ला मिल गया। ये डब्बा पड़ा हुआ है देख सकते हो, तो पहला रीज़न तो ये, दूसरा रीज़न 8128, तीसरा रीज़न और कैमरा जो है ना इसका, वो दिल पे लगा है। हालांकि ये मोबाइल अभी बंद हो चुका है, अभी नहीं है मेरे ख्याल से ये पाकिस्तानी मार्केट में, बहुत कम है। जैसे S1 बंद हो गया था ना वीवो का, वैसे ही ये भी बंद हो गया। तो करते हैं आज इसकी थोड़ी बहुत बातें, फीचर्स वगैरह दिखाऊँगा तुम लोग को, और नाइट वगैरह में भी थोड़ी वीडियो शीडियो बना लेंगे। और चलते हैं भी फटाफट से पहले नीचे, देखते हैं कैसे। तो नाजरीन, अभी तुम लोगों को मैं एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जिसको देख के तुम लोग भी बोलोगे ये मज़ा आया। तो दबा अपना मोबाइल निकाल, ये चेक करो भाई साहब। और ये कोई आम बत्तियाँ नहीं है, मोबाइल से ऑपरेट होने वाली है। मोबाइल निकालना अभी, मोबाइल से सही से कंट्रोल करियो, पहले ब्लूटूथ से कनेक्ट करनी पड़ेगी। तेरा यार ओके, दफा कर, उस एडजस्ट में जा। ये चेक करो, हाय 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 हाय, चेक करो भाई साहब। अब ये इंस्टॉल करवानी है गाड़ी में, चल हटा अभी हट। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको रख देते हैं गाड़ी में, गाड़ी को इग्नोर मारना, बड़ी गंदी हुई पड़ी है। डैशबोर्ड का कपड़ा लिया था तुम्हारे भाई ने कल जब गए थे, ये तो पहले की पड़ी है लाइट्स, जब मोबाइल चोरी हुआ था उसके बाद ली थी ये। और ये चेक करो जुगाड़, स्पेशल जुगाड़, ये सुजुकी के स्पीकर रखे हैं। बाकी ये लाइट्स इंस्टॉल करने थोड़ी देर बाद चलेंगे इंशाल्लाह, अभी नहीं। सेम कुछ ऐसे कि जो लाइट्स थी जो लगवानी थी आज, वो कल पे चली गई है, कल लगवानी पड़ेगी, आज थोड़ा टाइम नहीं है। और कह रहा हूँ एक ही ब्लॉग आज वाला जो है ना, मैं कह रहा हूँ एक ही ब्लॉग आज वाला जो है ना आज ही चलता रहे, कल फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह लाइटों वाला। तो अभी रात को भी दिखा दूंगा थोड़ा सा इसका कैमरा सैंपल्स वगैरह, और अंदाज़ा तो हो गया होगा तुम लोग को। वैसे मैं एडिट भी कर रहा हूँ, हल्का हल्का एडजस्ट भी कर रहा हूँ। बाकी ये है कि जो लाइट थी, बैक लाइट्स जो बनाई थी खुद, उसका ये सीन था कि जैसा कि तुम लोग को पता है गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, तो मैंने बोला कि पेंट वगैरह एक दफ़ा हो जाए ना, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बॉडी किट्स भी मंगाएंगे। बॉडी किट्स का मैंने लाजा से पता किया, कल हम लोग गए थे जब सदर, लाजा से 2600 रुपये की फ्रंट बैक मिल रही है, 2600 रुपये की, इतनी सस्ती सही है। और 3000 तक साइड स्कर्ट्स मैं नहीं लगवाऊँगा, सिर्फ फ्रंट और बैक बॉडी किट लगवाएंगे, जो कि ऑनलाइन मुझे मिल रही थी 8000 की 4, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 4 भी लूँ ना
तो 5,000 तक पड़ जाएगी आराम से। फोन से पेंट वगैरह करवाएंगे इंशाल्लाह जल्द, तो उसके बाद ही बॉडी किट्स वगैरह भी है, और भी काफ़ी पंगे करने हैं अभी, टेंशन नहीं लेनी। तुम लोगों ने फॉग लाइट्स का पूछा था, हम लोगों ने खाली फॉग लाइट्स के कवर 3500 रुपये के मिल रहे थे, तो हम उसी टाइम भाग गए। हमने बोला भाई चाहिए ही नहीं कुछ, इज्जत से कपड़ा लेते हैं निकल जाते हैं, फिर इंशाल्लाह जब पैसा आएगा तब जाएंगे लेने, सीधा प्लाजा घुस जाएंगे। और प्लाजा में जो मज़ा है ना, आए हाय हाय हाय, एक दफ़ा घुस जाओ निकलने का दिल नहीं करता। जो कार गए होते हैं ना उसको सही मज़ा उधर ही आएगा, प्लाजा में आए हाय सुकून है। एक प्लाजा, एक तारिक रोड, तारिक रोड तो मैं गया नहीं हूँ, रिम्पा प्लाजा जहाँ पे हम कल गए थे, तो देखते हैं अभी क्या बनता है। बाकी कल मोबाइल के लिए बड़ा ख्वार हुए थे हम लोग, पहले कायदाबाद गए फिर सदर गए, ताकि मोबाइल का बैटरी का, तुम लोग को मैंने बताना था कि बैटरी का ये सीन है कि सुबह 6 बजे मैंने मोबाइल उठाया, 100 चार्ज था, सही है, तो 100 चार्ज था, 6 बजे भी चलाया मैंने काफ़ी, और अभी आई थिंक 6:30 हो रहे हैं, 5:45 हो रहे हैं, तो 6 बजे मोबाइल जो है वो 19-18% है, 17 एक मिनट देखूँ, 13% है अभी, 13% है, तो सही जा रहा है। वैसे देखा जाए ना तो एक कहते हैं ना कि यार आईफोन से जब बंदा एंड्रॉयड पे शिफ्ट होता है तो काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन मोबाइल चलने में मज़ेदार किस्म का है, कोई मतलब लैग वगैरह वाला सीन नहीं है, वही भी चलता है फुल पानी की तरह, और लैग वगैरह का तो सीन है ही नहीं ना कोई भी, तो अल्लाह पाक नसीबों में करे हमारे ये वाला मोबाइल। और बाकी प्राइसिंग वगैरह क्या बताऊँ तुम लोग को, मैं बस छोड़ दो, तुम लोग अंदाज़ा लगा लो कितने का होगा, तो बस बाकी फिर रात को मिलते हैं, अभी जो होएगा रात को होएगा, अभी तो कुछ नहीं होएगा क्योंकि अभी हम लोग वांदे हैं। रात में तुम लोग रिजल्ट देख सकते हो, वैसे तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा क्योंकि एडजस्ट के बिना मज़ा नहीं आता ना, तो एडजस्ट वगैरह मैं कर लूँगा, मतलब थोड़ा बहुत ना ब्राइटनेस वगैरह, कंट्रास्ट वगैरह, शेडो वगैरह ये करना पड़ता है, क्योंकि जब यूट्यूब पे चढ़ती वीडियो तो थोड़ी सी ब्लर टाइप हो जाती है। तो व्लॉग करते हैं इधर ही एंड, उससे पहले एक दो इम्पोर्टेंट सी बातें, मैं भी एक दो से ज़्यादा हूँ, तो थोड़ा सा थोड़ी सी बातें जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं। पहली तो ये कि यार 13 तारीख का जो दिन था वो काफ़ी अच्छा गुजरने वाला था, अगर मेरा मोबाइल ना चोरी होता तो, बस जो जाने वाली चीज़ थी हो गई, क्या पता इसमें भी कोई आजमाइश हो अल्लाह पाक की तरफ से। तो गाने सुन रहे हो, चेक करो, ये 7 बेकरी है, मथे ही खा जाते हैं ये तो। और मैं क्या कह रहा था, हाँ इस डकैती वगैरह से ना एक चीज़ सीख ली है कि यार दुनिया वालों के सामने अपने दुख को जितना हो सके छुपाओ, क्यों, क्योंकि ये साथ नहीं देते, कोई ये बोल रहा था पत्थर उठाता, कोई ये बोल रहा था भाग जाता, हर बंदा तो नहीं खैर, कोई कोई होता है ऐसा, और कोई कोई मैं पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं। गाड़ी का अभी देखते हैं, पैसा वैसा कोई आए तो इंशाल्लाह वीसी भी खुलेगी तो लेंगे सामान वगैरह, सीधा चलेंगे उधर रिम्पा प्लाजा सुकून से, वहाँ से सामान लेंगे, बॉडी किट्स वगैरह मैंने पूछी थी, और फॉग लाइट्स वगैरह ये वो छोटा मोटा सामान पहले ले लेंगे, बाद में फिर एक सरप्राइजिंग चीज़ आएगी इंशाल्लाह गाड़ी में, मज़ा आएगा चेक करना, मेरी मतलब लाइफ की बिग इन्वेस्टमेंट होएगी, बस तुम लोग दुआ करो वो हो जाए काम, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो मतलब आगे जाके तुम लोग जब गाड़ियों वाला जब एरा शुरू होएगा ना, एरा बोलते हैं ना, तो तब तुम लोग बोर नहीं होने वाले इंशाल्लाह, अभी तो तुम लोग फ़िलहाल मेरी गंदी शक्ल देखते हो, जब गाड़ियों की आएगी ना तब तुम लोग देखना, गाड़ियों का तुम्हारे भाई को फुल क्रेज़ है, 11 भी गया, ओप्पो पे आ गया, मतलब क्या बोले बंदा यार, इसमें ज़्यादा दुख मनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जान बच गई तो
इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। 3-4 दिन पहले वैसे मैं भी यही बोल रहा था कि कोई भी आएगा, अल्लाह ना करे अगर कोई आ जाए तो पत्थर उठा के मारूंगा, मोबाइल नहीं दूंगा, खुद गन वगैरह चलवा दूंगा। लेकिन जब हुआ था ना मेरे साथ, कसम से, बस कोई ना होश थी मेरे को ना कुछ, पता ही नहीं था कि मतलब मैं किधर बैठा हूँ। जिस टाइम वो लोग आए हैं तो आंखें बंद करता हूँ, मुझे याद आते हैं वो कैसे आए हैं, 2 मिनट में छुटकियों में काम निकाला और वो जा रहे हैं। तो बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। कल इंशाल्लाह मज़ा आएगा, एटमोस्फेरिक लाइट्स लगवाने जाएंगे गाड़ी में। सही है, तो बस इस व्लॉग को करते हैं हम इधर ही, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मोबाइल ओप्पो मैं रिकमेंड करूँगा कैमरे के लिए, अगर आप ले रहे हैं तो ज़बरदस्त चीज़ है, ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दें। ये भी मोबाइल है, जितनी तारीफें करो कम है, माशाल्लाह गुड इन्वेस्टमेंट। सही है, तो मेरा लाइफ का पहला एंड्रॉयड मोबाइल है जिसका कैमरा इतना अच्छा है, लाइफ का पहला। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले मोड़ पे, अल्लाह हाफिज़। आए है समझ कुछ नहीं आती लेकिन पता है कुछ बोल रहा है। अच्छा, बाय बाय, सी यू Artlist.io